अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को प्राथमिक संवर्ग जो हमारा है, बहुत बड़ा संवर्ग है पूरे भारतवर्ष में, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके लिए हम 14 सूत्रीय एक मांग पत्र हमने तैयार किया है, जो उसको हम देने जा रहे हैं। उन मांगों में मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं वो है कि नवीन पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, पूरे प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लिए एक अलग से पूरे भारतवर्ष का शैक्षिक आयोग गठित किया जाए। जो तीसरी हमारी मांग ये है कि शिक्षकों की जो भर्ती और चयन प्रक्रिया है पूरे भारतवर्ष में एक रूप की जाए। चौथी हमारी मांग है कि जो शिक्षकों का विभिन्न प्रदेशों में जो वेतन विसंगतियाँ उनको समाप्त करके और पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों का वेतन एक समान किया जाए। हमारी एक पाँचवीं महत्वपूर्ण मांग है कि शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जैसे कि ओसार है, उसके बाद में जनगणना है या अन्य कई कार्य होते हैं जो छोटे छोटे, उसके बार बार शिक्षकों को लगाया जा रहा है, तो उनसे हमें मुक्त किया जाए। कोई बात नहीं, एक ही बोलते हैं। और हमारी एक मांग ये है कि प्रत्येक विद्यालय में एक केयर टेकर नियुक्त किया जाए जो बच्चों के लिए काम करे और जो ये मिड डे मील वगैरह उनके लिए काम करे। जय हिंद, जय भारत। दीपेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय, अजमेर।